नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी। और एक राहत भरी खबर आई सुनरायनपुर मथुरापुर में जो डीएवी स्कूल है, वहाँ से आज कवरिंग के लिए भी वहाँ गए थे तो टॉक शो में हमने बात किया था वहाँ के प्रिंसिपल से। पूरा मामला आपको समझाते हैं क्या हुआ था। 2-3 तारीख को जो है एक बड़ा विवाद हो गया था। 2 तारीख को वहाँ पे जो है री एडमिशन जिसको कहा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने जो है इसको क्लियर किया कि ये एक एनुअल चार्ज होता है जो कि बच्चों के लिए देना पड़ता है जब भी वो नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड होते हैं। तो इसमें जो है प्रशासन, स्कूल प्रशासन की तरफ से बढ़ोतरी की गई थी। वहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जो है पेरेंट्स का जमावड़ा हुआ और लोगों ने एक संगठन बना के इस लड़ाई को लड़ना चाहा, इस मुद्दे को उठाना चाहा कि फीस बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज़्यादा की गई है, ऐसा पेरेंट्स का कहना था। बीच बचाव का रास्ता जो है वो निकला, एक अच्छी खबर आई, सुखद खबर, और फीस जो बढ़ोतरी की गई है वो मात्र 50 रुपये ट्यूशन फी में बढ़ोतरी की गई है। और जितनी बढ़ोतरी पहले की गई थी उसमें से भी 1700 रुपये का जो है डिक्रीमेंट हुआ है, 1700 रुपये घटा दिए गए हैं। तो एक तरीके से बीच का रास्ता कुछ निकला दोनों जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से और जो है पेरेंट्स की तरफ से। तो इस मामले में जो है स्कूल के प्रिंसिपल सर का क्या कहना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सुनते हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर को। और ये बता दूं कि ये मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे इलाके में डीएवी जैसा स्कूल है। पहले जब स्कूल नहीं हुआ करता था तो मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए जब मैं दिल्ली से आता था वापस कि काश हमारे यहाँ भी एक स्कूल होता, ऐसी बातें। तो बहुत अच्छा है, स्कूल है और चल रहा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो है। आने वाले दिनों में किस तरीके से ये स्कूल आगे बढ़ेगा, इस पूरे मुद्दे पे खुल के बात की। हमने कई सवाल जो है प्रिंसिपल सर से पूछा वहाँ के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आइए देखते हैं उनका टॉक शो। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज हमारे साथ अतिथि हैं, हमारे डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के बाहर पेरेंट्स कुछ इकट्ठा हुए थे, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि पूरा मामला क्या था और इसका कैसे जो है निदान निकला। सबसे पहले तो आपको नमस्ते और सारे मीडिया कर्मियों को नमस्ते जो उन्होंने हमारे स्कूल और हमारी भावनाओं को समझा और हमें साथ दिया। एक्चुअली फीस की बढ़ोतरी कुछ ऐसी की नहीं थी, एक छोटा सा इश्यू था कि एनुअल चार्जेज में कुछ 1000 या 1200 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिस जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और बच्चों को CBSE के जो सारे लेबोरेटरीज हैं, जो अदर एजुकेशनल एसेसरीज है उसको अवेलेबल कराने के लिए, मीट आउट करने के लिए, रिसोर्स को मीट आउट करने के लिए किया गया था, जो कि कुछ लोगों के गलतफहमी के कारण इस बात को तूल दे दिया गया। जो आज मिल बैठ करके सारे प्रतिनिधि और BDO साहब सब लोग मिल बैठ करके इस बात को समझे और एक रिजोल्यूशन लिया गया और बातें रिजॉल्व हो गई, है ना। इसमें एक्चुअली स्कूल, किसी को भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर है और DAV हमेशा पुअर और एवरेज तरीके के जो पेरेंट्स हैं, हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, उसको हमेशा एड्रेस करती रही है। और DAV एक पायस संस्थान है जो कभी भी पेरेंट्स से बाहर जाकर के काम नहीं करती, हमेशा अभिभावकों की सुनती अभी, है उस पर अभी जो है मीटिंग हुई थी तो उसकी कुछ खास बातें बताइए, 1-2 पॉइंट्स जिस पे की स्वीकृति हुई दोनों तरफ से। अभी जो मीटिंग हुई उस पर वही एनुअल चार्जेस जो थे, जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, उस पर BDO साहब ने कहा कि मेरे कहने से वो जो 2000 रुपये किया गया है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और तकरीबन 2500 रुपये के आसपास जो बढ़ रहा था सालाना, 2500 से 3000 रुपये हर क्लास वाइज, उसको कॉन्स्टेंटली 500 रुपये डेवलपमेंट चार्ज में घटाया गया, 500 रुपये मिसेलेनियस में घटाया गया, 500 रुपये एनुअल चार्ज में घटाया गया और 200 रुपये डिजिटल चार्ज में घटाकर 1700 रुपये घटा दिया गया। आप ये बताइए कि अब आगे जो स्कूल की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करेंगे और भविष्य की क्या योजना है? जो भी हमारी आर्थिक, चूंकि अब बजट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो जो भी हमारी आर्थिक रिसोर्सेस होगा, क्योंकि आप सबको ये पता होता है कि स्कूल अपने ही रिसोर्सेस जो फी आता है उसी से जनरेट करके जो टीचर्स के सैलरीज होते हैं इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, तो जितना भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होगा हम द बेस्ट जो हमारे प्लान है उसको
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हमने इस साल में प्लान किया हो जो अवेलेबल कराने की कोशिश करी हो, चूँकि फी के रिड्यूस होने के कारण हम वो नहीं कर पाएंगे, तो उसको नेक्स्ट ईयर के प्लान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पर हमारी ये कोशिश है कि एकेडमिक्स के लिए जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो चूँकि इस साल दिसंबर तक का ये प्लान था कि उसको पूरा कर लिया जाए, वो अब नहीं पॉसिबल लगता है। अब लगता है कि उसे 2020 दिसंबर जनवरी तक जाते जाते पूरा कर लिया जाएगा, और इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं होंगी जो किसी भी अन्य DAV पब्लिक स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड है उसमें होगी। ये स्कूल किसी से भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी में हमारी प्लानिंग है। भगवान डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे और हम सब इसी इरादे से साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से प्रिंसिपल सर ने बताया कि भविष्य की योजनाओं में DAV को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाने का जो इनका एक लक्ष्य है उसको वो पूरा करेंगे, और आने वाले दिनों में किसी और वीडियो के साथ किसी नए अतिथि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।